हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि लैपटॉप या कंप्यूटर का ब्राइटनेस हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उसे बढ़ा सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने पीसी पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने पीसी या फिर लैपटॉप में ब्राइटनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। कई बार हमारा ब्राइटनेस जो है वो नहीं बढ़ पाता है या फिर हमें ऑप्शन ही नहीं मिलता है कि कहाँ से हम बढ़ाएं, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके लिए सबसे पहले तो आपका अगर विंडोज 10 है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं इस तरह से एक मैसेज का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इधर आपको एक ब्राइटनेस का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपका ओरिजिनल विंडोज होगा तब ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप इसे बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा ब्राइटनेस का, तो आपको क्या करना है, इधर सर्च का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है ब्राइटनेस, चेंज BRI, जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज ब्राइटनेस लेवल, इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप जो है इसे बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। ये भी ऑप्शन हो गया। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आपके कीबोर्ड में एक ऑप्शन होता है FN जो की होता है उसके साथ आपको एक ब्राइटनेस का की दिया होगा, F3, F4, F5, F6, ये सब में चेक कर लेना है सबसे ऊपर वाला बटन में, उसमें आपको एक ब्राइटनेस का लोगो दिया होगा, उससे आप जो है उससे भी बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। लेकिन वो FN के साथ आपको काम करेगा, FN के साथ आपको उसे प्रेस करके बढ़ाना है। कई लैपटॉप में डायरेक्टली भी काम करता है लेकिन आपको चेक कर लेना है। अगर ये सबसे काम नहीं कर रहा, अगर आपका ब्राइटनेस जो है वो नहीं बढ़ रहा है, ऑप्शन तो है लेकिन नहीं बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में ग्राफिक्स ड्राइवर नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ को चलाने के लिए एक ड्राइवर का ज़रूरत होता है। अगर वो ड्राइवर मिसिंग होगा तो भी कारण होता है कि आपका ब्राइटनेस नहीं बढ़ पाता है। तो अगर आपका ड्राइवर मिसिंग है तो आपको क्या करना है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना है और यहाँ पे आपको अपना ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पे आपको इंटेल ग्राफिक्स ड्राइवर इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड इंटेल ग्राफिक्स, तो इस पे आपको क्लिक करना है। किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहीं इसी इंटेल के वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन हो गया है। यहाँ पे आपका जो भी विंडोज है, जो भी बिट है, उसके हिसाब से आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं विंडोज 10 64 बिट, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है विंडोज 10 32 बिट, विंडोज 8.1, तो इस तरह से विंडोज 7, विंडोज 8.1 सभी दिया हुआ है। 64 बिट है या फिर 32 बिट है वो आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरह से ये डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। उसके बाद आपका जो ब्राइटनेस वगैरह है, जो आपका डिस्प्ले का ग्राफिक्स वगैरह है, वो सब काम करना शुरू कर देगा। तो इसी तरीके से आप भी अपने पीसी का ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं।